नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। जन सुराज के सूत्राधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नजरिए से बंगाल की तरह एक भविष्यवाणी कर देता हूं, लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल तीर छाप से 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लिख कर देता हूँ, INDIA अलियंस में नीतीश कुमार की भूमिका आगे और घटेगी। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहाँ मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नज़रिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूँ कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के 5 MP भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई छवि जमीन पर बची नहीं है, संगठन बचा नहीं है, लोगों में विश्वसनीयता खत्म है। बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव-गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार, आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। तो इंडिया अलायंस की चर्चा और चिंता आप मत कीजिए, नीतीश कुमार की और जदयू के नेताओं की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका दल बचेगा कि नहीं बचेगा। चिंता का कारण वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जो कि उनके पहुंच के बाहर की बात है।